Hello everyone. Good morning students. In the last video, we are discussing chapter number 1, Nutrition in Plants, in which we have discussed about shells and different types of nutrition. Today, we are moving further for the process photosynthesis. What is the process of photosynthesis? As we have taken a brief idea in class 6 as well, that photosynthesis is a process by which plant makes their food. So photosynthesis is food making process in plants. Plants apna food ka formation jis process ke through kar pate hain, that is photosynthesis. So the process by which autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substances. What are these substances? Carbon dioxide and water. तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, हमने दो टाइप का न्यूट्रिशन देखा था. फर्स्ट वन वाज ऑटोट्रोपिक, द सेकंड वन वाज हेटेरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक में वो खुद से अपने जो भी एलिमेंट्स जो खुद से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ऑटोट्रोपिक. जो किसी दूसरे की हेल्प से करते हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज हेटेरोट्रोपिक. सो ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड का खुद से फॉर्मेशन करते हैं. किससे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. छोटे छोटे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, उनसे. वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज क्या क्या हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ लेट अस सी फ्रॉम वेयर द प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट्स वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज present in atmosphere, as we have discussed in the last class 6, when we have discussed about the gases. 78% in the atmosphere is present nitrogen, 21% oxygen and remaining 1% में बहुत सारी gases थी जिनमें आपकी carbon dioxide भी थी. So वहां से plant ने carbon dioxide atmosphere से या फिर air से absorb करता है. और जब प्लांट जो होगा वो आपका ग्राउंड में लगा हुआ रहेगा, तो ग्राउंड से या सैंड से प्लांट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. सो जो ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड अपना एयर या एटमोसफियर से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वाइल वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ग्राउंड. इन दोनों सब्सटेंसेज की हेल्प से जो आपका प्लांट है वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है. ये दोनों रॉ मटेरियल उसको पहले चाहिए होंगे. अब आगे क्या होगा बच्चों, किसकी प्रेजेंस चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में वो अपना फूड का फॉर्मेशन करेगा, व्हाइल द नीड ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट. We have discussed in the last class that why the color of leaf is green, because of the pigment chlorophyll. So chlorophyll or sunlight ki presence mein jo aapka plant hai wo apna food ka formation karega. Yahi jo process hai, this is known as photosynthesis. Agar hum photosynthesis ko do alag alag parts mein break karenge, तो फोटो का मीनिंग होता है बेटा आपका लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग आपका होता है टू प्रिपेयर फूड, टू फॉर्म या टू कंबाइन. तो फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना फूड को, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. व्हेन यू विल ब्रेक द होल टर्म इन स्मॉल पार्ट्स दैट लाइक फोटो एंड सिंथेसिस, जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था ऑटो एंट्रोपिक, हेटेरो एंट्रोपिक, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जब आप इनको ब्रेक करके देखते हैं तो आपकी चीजें आपको इजीली समझ आ जाती हैं. अब हम इससे आगे देखते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आता है. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स. किसमें होता है बेटा? ग्रीन लीव्स में, बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल. क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही आपकी लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है. देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. इसीलिए लीव को ही हम क्या है, लीव्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री बोलते हैं. द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, बट
is not enough for meeting all the needs of the plant. लीव्स के अलावा भी प्लांट के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो कि फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. लाइक हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, डेजर्ट के अंदर हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो डेजर्ट के अंदर जो हमारा वाटर है वो बहुत कम होता है. और अगर ग्रीन प्लांट्स ही वहाँ पर होंगे, अगर उनकी लीफ ही अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगी, तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर का रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी रेट पर होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर की और ज़्यादा कमी हो जाएगी. इसलिए जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. तो वहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है? जो ग्रीन ब्रांचेज होती हैं, जो ग्रीन कलर की हमारी स्टेम होती है, वो सब हमारी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, जिसकी हेल्प से आपके प्लांट को फूड मिलता है. तो ये हमारा क्या हो गया, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम बट नॉट एनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट. अब इससे आगे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसकी जो भी हमारा फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम इसको एक रिएक्शन की टर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है बेटा? इक्वेशन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड का पार्ट होता है. लेफ्ट साइड में हम वो चीजें लेकर चलते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, राइट साइड में वो चीजें आती हैं जो कि हमारी फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा रिजल्टेंट होता है. तो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंडर लेकर क्या चलते हैं? दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर चलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड आपका एयर से मिलता है, जबकि वाटर आपका सोइल या सैंड या ग्राउंड से मिलता है. फिर हम ये एरो लगाते हैं. एरो की जो डायरेक्शन होती है, जो एरो का पिन पॉइंट होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है. अब एरो के ऊपर हमने लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल. इट मींस कि सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने अपनी रिएक्शन को कराया है, हमारी इक्वेशन होल्ड कर रही है, जिससे हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? प्लांट का फूड बनेगा. तो प्लांट का फूड किसकी टर्म में बनता है? हमने न्यूट्रिशन एलिमेंट देखे थे, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की टर्म्स में. तो हमारा जो फूड बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट की टर्म में बनेगा, दैट इज ऑल्सो ए न्यूट्रिशन एलिमेंट. और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा पार्ट बनेगा? ग्लूकोज मेनली बनता है. तो ग्लूकोज दैट इज ए पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो कि हमारा फूड बनेगा. प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है. तो हमने क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने इनिशियली लेकर चले थे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस वहाँ पर हुई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वहाँ पर बन गया. तो ये हमारी इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की. अब वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि हम एयर कहाँ से लेते हैं, या फिर हमारा जो प्लांट है वो किस तरह से ग्राउंड से लेकर और अदर डिफरेंट पार्ट्स तक का वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो हम देखते हैं. द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज CO2. CO2 इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. हमारी जो लीफ होती है उसके सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. इन पोर्स की हेल्प से ही हमारा जो लीफ होती है प्लांट की, वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है CO2 को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या फ्रॉम द एयर. और वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट. वाटर कहाँ से मिलेगा बेटा? रूट्स से मिलेगा, या फिर बोलेंगे सोइल से मिलेगा. और ये दोनों ही चीजें इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच लाइक एक्ट लाइक पाइप्स. जो रूट से या फिर जो सैंड से, सोयल से जो वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वो वेसल्स जो कि हमारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके थ्रू लीव तक क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दीज वेसल्स फ्रॉम द कंटीन्यूअस पाथ फ्रॉम रूट्स टू लीव्स फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स.
इन्हीं वेसल्स की हेल्प से हमारा रूट से लेकर लीफ तक का मूवमेंट किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक प्लांट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो इनटेक कर रहा है एयर से, सोलर एनर्जी है मतलब कि सन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइट एनर्जी आपकी आ रही है, सन की रेज आ रही है। ये अब लीफ है तो लीफ का कलर ग्रीन है, इस वजह से यहाँ पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस है। हमारा रूट्स कहाँ पर है, रूट हमारी सोइल के अंदर है, इसलिए यहाँ पर वाटर और मिनरल्स यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। अब हमारा बनाएगा क्या, ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फूड की टर्म में बनता है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स पोजेस क्लोरोफिल इन देयर लीव्स विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर स्टार्च। स्टार्च इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स कि फूड का ही फॉर्मेशन करेगा वो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज, इसी प्रोसेस के अंडर हमारी ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। द फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड। सोलर एनर्जी आपकी कैप्चर की जाएगी बाय द लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। और हमारी जो फूड है उसके अंदर, उसके जो प्लांट है उसके फूड की फॉर्मेशन में सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा जो प्लांट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, दैट इज सोलर एनर्जी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज हमने ये देखा, इससे अगले वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस आर क्लियर टू यू। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बच्चे।